ये छोटा हवाई जहाज एरोप्लेन ये यूं करके ऐसे निकल जाएगा, आपको लगेगा कहाँ गया। कंपनी कहती है हमारा सबसे सस्ता बच्चा ले जाओ। स्टार सिटी से इतना कमाया कि मैंने हिमालयन ली, फिर हिमालयन से इतना कमाया स्क्रैम्बलर ली, फिर उसे सेल किया तो इंटरसेप्टर ली, उसके बाद हमारा ये बच्चा आया है। एक कॉम्पैक्ट और कम वेट और आराम से हैंडल होने वाली, मतलब आपकी टेढ़ी होगी कुछ होगी, ये आराम से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसका साउंड सुनाते हैं, ये इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है अभी स्टॉक है। हाँ, स्टॉक है। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। जबकि हम रोड पे खड़े अभी, ये इनलाइन थ्री इंजन है। नहीं, इनलाइन थ्री इंजन है ये। और इसकी जो सिलेंडर की वेव होती है ना, ये जो हम जो साउंड सुन के खुश होते हैं ना, ये पर वेव पे डिपेंड करता है। इसके एक उसमें 4 वेव हैं, मतलब पर सिलेंडर 4 वेव। अच्छा। तो टोटल 3 सिलेंडर हैं, तो फिर 12 वेव्स हो गई, जिसकी वजह से ये अच्छा साउंड होता है। थोड़ा दो, आप टोटल दो, पूरा दो, पूरा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आया मजा? आया कि नहीं आया? आया ना यार। ये स्टॉक एग्जॉस्ट भी इतना ज्यादा लाउड है? हाँ, मतलब एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो इतनी चला दी है कि वो खुशी से कह रही है मैं वो आपको साउंड ऐसे ही दे दूंगी। अच्छा, इसके अंदर कार्बन वगैरह डिपॉजिट वगैरह हो गया होगा, उससे बेस लाउड हो गया इसका थोड़ा सा। हाँ, ना? और काफी अच्छा साउंड दे रही है। मेरे को तो नहीं लगता कि मुझे एग्जॉस्ट की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हम टीचर हैं। अब मैं वो तो हूं नहीं। हां, आओ यहां आओ। हां, मैं टीचर हूं। ये है म्यूजिक के टीचर है। बिल्कुल। अब इसकी जो आवाज लगती है, ये कौन से म्यूजिक को रिप्रेजेंट करती है? ये जो है ना, हमारा जो बेस गिटार होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करती है। जो हम करते हैं ना बेस गिटार में, यहाँ से हाथ मारते हैं, ये वही वाला साउंड देती है पूरा। अब इसके जो टायर्स वगैरह होते हैं इन बाइक्स के, ये कितने किलोमीटर तक चल जाते हैं? ये देखो, वो कंपनी कहती है कि ये मतलब 15,000 to 18,000 चलेंगे बस, कंपनी कहती है। मगर मेरे हिसाब से 10,000 चलेंगे। अच्छा, क्योंकि इनकी राइड बहुत है, रोज राइड बहुत है। मेरी एवरीडे जो है 120 किलोमीटर जो है मैं डेली चलाता हूँ। तो मैं तो दूध लेने भी, मेरे लिए तो स्प्लेंडर बनी पड़ी है थोड़ी सी है। तो मैं तो दूध लेने भी इसमें चले जाता हूँ। यहाँ पे टंगता है दूध, यहाँ पे टंगती है ब्रेड। तो मतलब इतना ज्यादा एक दिन में ऐसी बाइक को चलाना सही है? मतलब इसलिए तो लिए, ये कंफर्टेबल है काफी चलाने के हिसाब से। हाँ, चलाने के हिसाब से कंफर्टेबल है। आप कोई अगर आप दूसरी बाइक लो, अब उसका पोस्चर देखो, ऐसे लगता है बंदा अपना दिखा रहा है किसी को, यूं बैठा होता है वो, लेटा है कि बैठा है समझ नहीं आती। अपना दिखा रहा है क्या? हाँ, पिछवाड़ा दिखा रहा है ना, अपना दिखा रहा है। कहीं तो वैसे एक बात बताऊं, जितनी इनकी राइड है ना रोज की, उस पे वो वाला पोस्चर काम भी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपको। अब ये देखो, मैं बैठा हूं और जैसे ही ऊपर करूंगा और कंफर्टेबल हो जाऊंगा। अच्छा, अब पाजी इसके एक एक करके ना फीचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके ये टायर पे, फ्रंट टायर पे इसकी जो ग्रिप है, जब आप इससे कॉर्निंग करते होगे, क्योंकि करते होगे ग्रिप के मामले में, तो ये सुपर। अच्छा, मतलब दो बारी पजामे फटवा लिए, घुटने छिलवा लिए इसमें। मतलब, हाँ, नहीं नहीं, इतनी लिटाई है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड का जो है ये टच हो गया, और यहाँ से जैसे सिंगल डिस्क है। क्यों? क्योंकि वो क्रूजर बाइक है और हाई स्पीड नहीं है। ये इसके बारे में क्या बोलूं मैं। ये दिवाली का वो वाला रॉकेट है जो ऐसे करते शुक्श हो जाता है। असल में सीधा रॉयल एनफील्ड के इंजन जो होते हैं ना, वो होते ज्यादा सीसी के, लेकिन वो होते लीजी इंजन है वो। ये 100 की स्पीड 3 to 4 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। वो इनलाइन टेक्नोलॉजी, इनलाइन 3 है वो, जो है वो पैरेलल ट्विन है। हाँ, और इसलिए जो है ना, ये स्पीड इतनी जल्दी पकड़ती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए डबल डिस्क जरूरी है। और पैसों का भी तो फर्क है ना भाजी, ये भी तो देखो। हाँ, पैसों का रहती है 3.5-4 लाख रुपए की। हाँ, ये आएगी तुम्हारी 10 लाख की। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6.5-6 लाख रुपए का। 10 लाख भी बोलते तो थोड़ा खून जल जाता है, अंदर का सामान भी तो लगा हुआ है हमारा। 11 लाख मान लेते हैं। फिर ये आ गए इसके अपसाइड डाउन शॉक एग्जॉस्ट है, और ये शोवा के लगे हुए। अच्छा, तो ये स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। वैसे इतना मजा आता है, देखो देखो यहीं से कितने प्यारे से धो रहे हैं, देखो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे। मलाई टिक्का है, मतलब मलाई, बिल्कुल, मतलब ये मक्खन मलाई वाला ऐसे करके निकलती है झटके में से, देखो बस गायब। हाँ, स्टंट मारते हो कभी कभार? स्टंट नहीं।
कैमरा पे नहीं बोलेंगे, बाद में बताएंगे। अच्छा चलो ठीक है, देखो स्टंट कहते हैं ना, आंखें ऐसे खुल गई स्टंट। अच्छा और ये जो है थ्रॉटल, पाजी ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, ये फास्ट थ्रॉटल है इस बाइक में, ये कैसा है? ये इसको फास्ट नहीं कहेंगे, मीडियम कहेंगे, मगर अगर इसके सेगमेंट की और इतने सीसी की बाइक हम दूसरी कंपनियों की देखते हैं तो ये सबको पीछे छोड़ देगी। अच्छा मैं दावे से कहता हूँ ये है 660, और अगर आप दूसरी कंपनी की 800 सीसी की भी बाइक ले आओगे इसको हरा के दिखा दे, दावा है ये। दावा ये है ट्राइन की जो कि 10.5-11 लाख रुपए की बाइक में ऐसी वाली की दे रखी है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड और सिंपल की है, कीज है ना। अब इसको अगर हम मैं की लगाता हूँ तो इग्निशन सीक्वेंस दिखा दो इसका, इग्निशन सीक्वेंस कुछ ये है, 3-2-1 ये, इधर पूरी पूरी एक LCD स्क्रीन, नीचे भी एक कलर LCD स्क्रीन आ गई है ना, बीच में एक डिवाइडर है अगर दिख रही होगी, और सबसे अच्छी चीज की इन्होंने ना ये जो ग्लास है इसको क्लियर नहीं दिया, ये हल्का सा स्मोक्ड है जी, ब्लैक है ये जी जी जी, है ना। तो यार ये दिन में भी अच्छी लग रही है और रात में तो ये मजा आता था उसके अंदर, है ना, मजा तो आ जाता है, मगर ये इन्होंने दिया नहीं है, ये मैंने करवाया है। क्या चीज स्मोक? अच्छा ये व्हाइट था ये? हाँ ये व्हाइट था, ये मैंने करवाया। ये चीज जो अच्छी लग रही थी वो कंपनी नहीं देती भाई। हाँ, वो मैंने करवाई है। वो हाँ, अब बाकी मैं आपको इसके ना देखो ये इतने सारे बटन दिए, अब इससे मैं वीडियो गेम खेलूं, आगे पीछे करूं, मारियो को क्या करूं? हाँ, हाँ, हाँ। मैं फिर ये सारे बटन जो है ना हमारे ऑप्शंस के लिए दिए हुए, जैसे ये फ्यूल स्टेटस क्या है। अच्छा। जब हमारी बाइक चलती है ना ये हमें बताता है कि ये कितना पेट्रोल खींच रही है। अच्छा। जितना आप थ्रॉटल दोगे ये उतने लीटर के हिसाब से आपको बताएगी कि ये इतना खींच रही है, माइलेज बताता है, माइलेज बताता है, और जितना कम दोगे। हाँ अब फिर आगे आते हैं, ये इसका टेम्परेचर है, ठीक है, फिर टेम्परेचर के बाद ये अब इसकी जो अगली सर्विस है ये बता रहा है कि 9462 चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट सर्विस आएगी। आप नेक्स्ट सर्विस आएगी, करो या मत करो, ये आपकी बाइक तो तुम्हें बोल देगी। अच्छा ये क्या? ये इसकी ब्राइटनेस है, अब हम कम कर सकते हैं आंखों के साथ, नाइट में ना ये ज्यादा लगता है कई बारी, तो अपना कम कर लो ब्राइटनेस तो, और बढ़ा लो दिन में थोड़ा इसको बढ़ा के रखो। अच्छा उसके बाद आते हैं, ये हमारा टाइम आ रहा है 11:12, और ये जो माइनस का साइन आ रहा है ये एम्प्टी है, जब हम गियर डालेंगे तो यहाँ पे ये गियर दिखा आ जाएगा। हाँ ठीक है, और ये देखो अब न्यूट्रल आ रहा है, ये हमने ऑन नहीं किया था यहाँ से, ये न्यूट्रल आ रहा है, फ्यूल लो है उसका इंडिकेटर आ रहा है। मोड्स के कितने हैं इसमें? और मोड्स इसमें हैं दो। अच्छा ये हमने मोड्स पे किया, एक है रोड मोड और एक है रेन मोड। अच्छा रेन में चलाने के लिए भी मोड दे दिया इसमें? जी मैंने आपको अभी तो बताया था कि रेन के लिए स्पेशल, ये इतनी बढ़िया चीज है, जब आप रेन मोड ऑन करोगे ना तो इसमें दो तीन चीजें हो जाती है, एक तो ABS डबल वर्क करता है। अच्छा और इसकी जो थ्रॉटल है वो उतना ही रहेगा बट स्पीड नॉर्मल रखती है, अपने आप ही अपने आप कंट्रोल रखती है, इंजन ब्रेकिंग हो जाती होगी उसमें, बिल्कुल ट्रैक्शन बढ़ जाता होगा रियर टायर पे। हाँ, की बाइक बहुत बढ़िया। इसकी फ्यूल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आता है? 14 लीटर। ये 14 लीटर की टैंकी है, कंपनी 14 बोलती है मगर वो आपको पता ही ना थोड़ा सा कंपनी, क्योंकि ना वो उसका लेवल होता है कि वो यहाँ तक ही नापेगी। मैं डलवाता हूँ 14,700-800 आ जाता है, 15 लीटर पहुंच जाता है इसके अंदर आराम से। वो वाले लोग हैं पेट्रोल पंप पे जाके कहते हैं तब तक भरियो, जब तक ये उल्टी ना करे, उल्टी ना करे, जब तक उल्टी ना करे तब तक भरियो। तो ये कितनी माइलेज दे देती होगी? अभी अभी कितनी देरी है? अभी सर्विस हो गई इसकी पहली? हाँ पहली सर्विस हो गई इसकी। कितनी देरी माइलेज? ये कंपनी तो बोलती है कि 17 की माइलेज देगी। अच्छा अब कंपनी सिर्फ बोलती है, अब अगर हाँ वैसे कंपनी की बात सही भी है, अगर हम इसको इज्जत से चलाएं ना, इज्जत से मतलब जुर्र करके, तो ये शायद 17 भी देगी। अच्छा अब हम जवान ठहरे, जैसे देखा नहीं कि कोई जा रहा है तो हूँ सीधा निकल गया। क्या बताओ ना ये ली क्यों? इसीलिए तो चलाने के लिए। हाँ उसके लिए हमारी स्टार सिटी अच्छी थी। ये आगे से जो इंजन है ये इनलाइन 3 इंजन है, अच्छा सा दिखता है, मैसिव सा, और ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो यार ये जो कॉम्बिनेशन है और जो कलर का कॉम्बिनेशन है इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि ये हमने नहीं देखा शोरूम में खड़ा हुआ, ये नहीं देखा। देखो ये तो कंपनी ही देती है, ये कंपनी नहीं देती, और ये भी कंपनी नहीं देती। अच्छा अच्छा ये आपने कराए? नहीं ये मैंने कराए, और वो भी ये भी मैंने कराए हैं लाइंस भी। कंपनी सिर्फ देती है आपको ये वाला रेड, तो आपने सोचा कि ब्लैक और रेड की थीम बन जाएगी, और तो थीम बन जाएगी रेस एडिशन। रेस एडिशन बना दिया हमने। तो ये पहले किस कलर के थे? ये ग्रे कलर के थे। अच्छा और ये इतने बकवास लगते थे तो मैं जिस दिन लेकर आया था ना मैंने उसी दिन सबसे पहले ये रेड करवाए। अच्छा और फिर ये वाली मैंने जो लाइनिंग है ये लाइनिंग भी रेड कराई। अब मैं एक नई चीज भी कराने वाला हूँ, ये जो हमारा ट्रायम्फ का लोगो है ना, दिखाओ ये लोगो दिखाओ, ये ट्रायम्फ का जो हमारा लोगो ना ये भी रेड कलर का हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट आएगा, और एकदम मतलब वैसी
बच्चा बहुत प्यारा है, मजा आ जाएगा ना। मजा, ये एग्जॉस्ट कहीं से हीट होता है पैर पे, हीट आती है कभी इसकी? हीट आती है, आती है, आती है। देखो हर चीज के फायदे और नुकसान होते, नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, स्पोर्ट्स बाइक में नुकसान ज्यादा होते हैं, जो जिन लोगों की थाइयां जलती है ना, जिन लोगों को गर्मी पसंद नहीं है, ये तो हीटर हो जाते हैं। तो गर्मियों में जलती है ना, सर्दियों में मजा भी तो आता है। अब जैसे मैं सर्दियों में इसको लेकर गया था, जैसे उत्तराखंड लेके जाता हूँ कई बारी, तो जो हीट देते ना तो इतना अच्छा लगता है कि घुटनों को ना सेफ्टी के साथ साथ ना वो हीट भी मिल रही है। किसी और हीटर की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और फिर आर यू मैरिड और नॉट? मैं मैरिड हूँ। चलो ठीक है, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं हमें किसी और हीटर की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास अपना हीटर है, अपना हीटर है, है ना, अपना हीटर है। तो ये इसकी हीट गर्मी में कितनी परेशान करती होगी? गर्मी में ज्यादा तो नहीं करती, अगर इसको आप बड़े गियर पे चलाओगे ना तो फिर हीट जल्दी नहीं देगी आपको। जितना आप खींचोगे, रेव करोगे, जितना फिर देगी। तो फिर गर्मी, ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर गर्मी ज्यादा है तो हम थोड़ा नॉर्मल चला लो उस दिन। फिर ये वही बच्चा आ गया जो ज्यादा खाने के बाद में आपको ऊपर कर देगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इसके ये जो स्विंगम है इसका शेप भी अच्छा है। अच्छा एक और चीज है, 660 सेगमेंट में था तो एक नॉर्मल सा स्विंग आर्म भी इसके अंदर दे सकते थे फ्लैट वाला, बट इसको दिया गया हाई स्टेंथ स्विंग आर्म है ना, ये भी बहुत वाइड सा दिया हुआ है। इस सेगमेंट के हिसाब से पतला भी दे सकती थी कंपनी, लेकिन उनको चाहिए था कि ओवरऑल एक स्मार्ट सा प्रोडक्ट दिखे। तो टायर काफी चौड़ा है इसका, टायर का साइज, टायर इसका मैं आपको बताऊं, जो टाइगर 900 है ना और टाइगर 1200 उससे भी ब्रॉड टायर है इसका। अच्छा जी, तो ये टायर का साइज पता है आपको क्या क्या होगा इसका? हाँ जी हाँ जी, ये 170 170 है। तो 170 mm का विड्थ का ये टायर है और स्पोर्ट्स वाले ही टायर होते हैं 170-55। अभी तक टायर चेंज करवाए इसके? नहीं नहीं, कितनी चला ली अभी तक? ये मैंने चला लिए कोई 8000 के करीब। 8000? तो यार अभी तो ये रखे हैं टायर फुल है अभी तो, अभी तो रख जाएंगे। तो अभी इसको हुए हैं 7 महीने, 7 से 8 महीने हुए हैं, और 7-8 महीने में ये इसका मतलब कंपनी सही कह रही है ये 1800-1920 किलोमीटर चल जाएंगे आराम से, क्योंकि नहीं अभी और 4000 किलोमीटर में हो सकता है ये बिल्कुल, क्योंकि जब ये आई थी काफी ये वो थे, ये आपको दरारें दिख रही होंगी, दिख रही है ना? अच्छा, आ गई है। अब सोचो ये 8000 ही चली है, अभी टायर के हालात बदलने लग गए, तो अगर 4000 और चल गई तो बस बस इसकी जिंदगी खराब होना शुरू, इसके हालात बिखर जाएंगे। और टायर बड़ा सस्ता है, 55000 का बस। ये टट्टू भी नहीं है, ये तो वही है। ये क्या है भाई, ये बच्चे की ना बड़ी महंगी महंगी चीज आती है। तो मतलब कोई भी चीज, जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहा है सबसे सस्ती ट्राइम की, जो कि ट्राइम पैसा बोल रहा है, ट्राइम पैसा बोलता है, कभी भी ये मत सोच लेना कि ये बहुत सस्ती है, इनकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती है ना। और जैसे ये तो न्यू उन्होंने ली, लेकिन सेकंड हैंड लेने के बाद में भी मेंटेनेंस तो यही सेम यही रहेगी, क्योंकि टायर आप लगाओगे तो। अच्छा सबसे बड़ी क्या है, इसका आफ्टर मार्केट कुछ मिलता ही नहीं। अच्छा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? लेकिन पता नहीं, अब मान लो, जैसे मान लो मेरा यही टूटा था तो आफ्टर मार्केट में पता किया नहीं मिलेगा। फिर स्पेशल ऑर्डर करो, यूके से 15 दिन का टाइम, बाय कोरियर आता है, फिर फिट करवाओ, वो भी ट्रायम्फ पे जाके। एक्चुअली आफ्टर मार्केट वाले भी ना चला गए थोड़े से, वो कुछ ही मॉडल है उनके पास में जिनका वो सामान बना रहे हैं। नहीं, जो मॉडल ज्यादा बिकते हैं ना, मॉडल ज्यादा बिकते हैं, उनका सामान होगा। अब आप देख लो पूरी दिल्ली में, मैं रोज निकलता हूँ ट्राइडेंट पे, मुझे अभी तक 7 महीने में एक भी ट्राइडेंट रस्ते में मिली नहीं है। यहाँ से दिखाओ, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है, क्या है ये क्या चीज है ये इतना बहुत प्यारा, ये पीछे से जो मतलब लुक देता है ना, एक जबरदस्त है ना, आपको ऐसे लगेगा कि मतलब एक अकेली बाइक उठी हुई है शॉकर से और मतलब जा रही है, बहुत सुंदर सी लगती है। और टायर, एक तो स्पेस भी बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज ये पूरी पूरी बंद नहीं है, खुली हुई सी नहीं, ये खुली हुई नहीं है, क्योंकि देखो ना जब बारिश होती है तो पानी 10 तरीके से टायर से भी उछल के यहाँ पे जाता है, यहाँ जाता है, तो उसकी वायरिंग है अंदर 10 चीजें, तो उन्होंने पूरा फुल पैक किया है उसको। आप कह रहे थे ना बड़ा अच्छा सा प्यारा सा, हाँ प्यारा बना है, नो डाउट प्यारा, बहुत प्यारा है ये। प्यारा जो है ना, बारिश में जब छिट्टे उड़ाना शुरू करता है ना, ये देखो आधा काट दिया ऐसे। अच्छा, कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ तक दे दी ना, मैं नहीं कहता यहाँ तक के स्टार सिटी की तरह हमारी यहाँ तक दे, यहाँ तक दे के पानी ऊपर ना आए, मगर थोड़ा सा कंपनी अगर इसको यहाँ तक कर देती ना तो वो बेटर होता है। नहीं यार, लेकिन ये लुक्स के लिए उन्होंने बना दिया ना, लुक्स तो लुक मैटर नहीं करती ना, काम भी तो होना चाहिए ना। अच्छा वैसे एक बात है कि यहाँ तक खुला हुआ है, हाँ, ये पूरा पानी उड़ाता है रेडिएटर पे पूरा, और जब मेन पानी भी उड़े कोई दिक्कत नहीं है, जब कीचड़ में जाती है ना तो इसकी जिंदगी खराब हो जाती है, रेडिएटर में सारी कीचड़ भर जाती है और उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो जब रेडिएटर में कीचड़ जम जाती है तो बाइक हीट मारना भी स्टार्ट हो जाती होगी। हाँ जी, है ना, ये भी एक चीज है।
अच्छा वैसे अगर जुआड़ वाले लोग जैसे कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे भाई यहाँ पे कुछ लगा लो ना चमड़े का। हाँ चमड़े का तो फिर वो टांगा स्टैंड वाली बाइक लगेगी, वो पीछे ट्यूब काट के लगा लेता हूँ साइकिल की। एग्जैक्टली। अच्छा एक बात है वैसे, एक चीज तो मानोगे ना, महंगी जैसे कोई भी हो, आपका बच्चा भी अगर महंगे स्कूल में पढ़ रहा है उसका एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, होगा, एक पेन भी होता है पीछे। लोगों की गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर होती है लेकिन बॉयफ्रेंड्स को पता है कि पीछे पेन क्या है। हाँ, तो ये जैसे ये हुआ, बाइक बहुत अच्छी है, पीछे एक पेन है छोटा सा, ये पानी उड़ाती है। हाँ, आगे से अब पीछे से क्या सीन है? पीछे से तो और मजेदार है, आ जाओ। हाँ क्या सीन है आओ मैं बताता हूँ। देखो कितनी प्यारी बनाई है, क्या लुक है, डैशिंग है, एकदम बढ़िया है। और इसका भी मरगाड़ कितना सा है, इतना सा प्यारा सा है दिखने में और बहुत अच्छी फिटिंग है, मतलब एकदम बढ़िया। लेकिन बारिश में एक वो वाली अपने साइकिल चलाई है जिसको चलाओ तो सिर्फ ये कमर तक छींटे आते हैं, यहाँ तक वाली साइकिल चलाई है ना आपने, यहाँ तक छींटे आते हैं, ठीक है। और ये आप चलाओगे ना ये पूरा सिर तक आगे टंकी तक नहलाती है। हाँ मजा आ जाता है, मतलब आपके ना मॉन्की वॉश बना देगी आपकी टी शर्ट को ना, कीचड़ के छिट्टे दे देंगे। कीचड़ यहाँ से उठती है, यहाँ से उठती है, इसके अंदर अलग जाती है। अच्छा। और हमारे पास अलग आती है। अच्छा जी, इतना कीचड़ देती है बारिश, यहाँ तक आती कीचड़, यहाँ तक चॉकलेटी बॉय बन जाते हैं ना बिल्कुल। आज तो वैसे मतलब अगर मैंने ये ब्लैक पहनी है ना तो इसपे बेज कलर के टी शर्ट पे कीचड़ के छिट्टे देगी, ये मॉन्की पॉस टी शर्ट हो जाएगी मेरी। आज वैलेंटाइन डे बोल पूछ तो लो, विल यू बी माय वैलेंटाइन, या है वो ऑलरेडी? नहीं है ना, रेड कलर की तभी तो बनाई है। चलो बैठो और पब्लिक को फ्लाई बाय दिखा दो कि ये इंप्रेशन कैसा है इस बाइक का। अच्छी तो लग रही है, बहुत बढ़िया है, कॉम्पैक्ट पीस बढ़िया सा, यहाँ से यहाँ तक चला के दिखाएंगे स्पीड में, फिर वहां से वहां तक चला के दिखाएंगे। मैं यहाँ से अभी जाता हूँ, देखो मैं कैसे हवा में उड़ता हुआ जाऊंगा। और पीछे तो थोड़ा सा पानी भी उड़ेगा तो मजा आएगा, देख लेते। हाँ, चलो ये थोड़ा पानी है ना। अब भाई ये वाले ड्रॉबैक तो होते ही है। ओ मैन, ओ भाई साहब, वाली 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 बहुत है, ओ भाई साहब। अच्छा आपको ट्राइडेंट का वो पता है कि ये क्या चीज है? मीनिंग, मीनिंग क्या, क्या मीनिंग है? अगर आप इसका मीनिंग सुनोगे दिल खुश हो जाएगा। क्या चीज़? लोगों को पता ही नहीं है क्या है इसका मतलब, होता है त्रिशूल, तीन नोक वाला ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, और इन्होंने ना ये देखो ये त्रिशूल दिया भी हुआ है, ये त्रिशूल ही है। अच्छा हाँ जी, ये इसके अंदर जो रेड कलर का आ रहा है ये त्रिशूल ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भोलेनाथ बाबा की बाइक है और जिसके साथ भोले बाबा है उसकी क्या दिक्कत है। चलो थैंक यू सो मच, हम आपका गाना सुनने के लिए बेताब रहेंगे, जल्दी से बताना। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और गाइस ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। ये तो आज इस बाइक का था, अभी कार बाइक प्लेन बोट सब कुछ आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।